आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। भारत नेपाल सीमा पर एसएसपी ने तस्करी के आरोप में दो नेपाली युवकों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों युवक भारत से हाईवेयर के सामान की खेप लेकर भारत से नेपाल जा रहे थे। इस दौरान एसएसपी ने मुखबिर की सूचना के आधार पर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पूरा मामला लखीमपुर खीरी के इंडो नेपाल सीमा के बसई क्षेत्र का है, जहां दो नेपाली युवक मोटरसाइकिल द्वारा भारत से नेपाल तस्करी कर हार्डवेयर का सामान ले जा रहे थे। मामले की जानकारी देते हुए एसएसपी बाईस कंपनी कमांडर जोगेश चंद मंडल ने बताया कि दोनों युवकों से बरामद माल की कुल कीमत करीब 1,30,000 रुपए है, जिसका सीजर बनाकर दोनों आरोपियों को कस्टम के सुपुर्द कर दिया गया है। लखीमपुर खीरी का ये पूरा मामला, हार्डवेयर की खेप लेकर दो तस्कर भागने की फिराक में थे। एसएसपी ने दोनों तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। मथुरा में बेखौफ बदमाशों ने एक बंदूक लूट की वारदात को अंजाम देकर पुलिस को चुनौती दे डाली है। बदमाशों ने वृंदावन में बन रहे विश्व के सबसे ऊंचे मंदिर परिसर में धावा बोलकर वहां लगे सुरक्षा गार्डों को बंधक बनाया और उनके साथ मारपीट करते हुए उनकी बंदूक लूट ली है। वारदात के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया। मामला थाना वृंदावन इलाके का है, जहां शनिवार की देर रात करीब 2:20 बदमाशों ने अक्षय पात्र में बन रहे विश्व के सबसे ऊंचे मंदिर चंद्रोदय की निर्माणाधीन साइट पर धावा बोलते हुए गार्डों को बंधक बना लिया और गार्ड्स के साथ मारपिटाई करते हुए एक गार्ड की बंदूक लूट कर फरार हो गए। वहीं घटना के बाद सभी पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और मौका मुआयना किया। फिलहाल मामले में बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम का गठन कर दिया गया है और आरोपी की तलाश भी शुरू कर दी गई है। मथुरा का यह पूरा मामला, चंद्रोदय मंदिर की साइट पर लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। बदमाशों ने गार्ड की बंदूक लूट ली और मौके से फरार हो गए हैं। तो ऐसे में पूरा पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, टीम का गठन भी कर दिया गया है और पुलिस का कहना है कि जल्द ही बदमाशों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। देखिए, ये विगत रात्रि में इन्फिनिटी जो बिल्डर्स हैं उनका एक कृष्ण भूमि नाम का एक प्रोजेक्ट यहाँ पर बिल्डिंग बन रही है, वहाँ पर रात में अर्ली मॉर्निंग एक सूचना आई थी कि कुछ लोग वहाँ पर घुसे हैं और वहाँ पे गनमैन और उनके साथ जो गार्ड हैं उनके साथ मारपीट की है और जो गनमैन है उनकी राइफल लूटकर ले गए हैं। बाद में चेक करने पर पता चला कि उसी बिल्डिंग में जो बिल्डर का जो स्टोर है उसमें से कुछ पैकेट इलेक्ट्रिकल वायर के जो भी उनके द्वारा गिनती की जा रही है वो भी उनके द्वारा वहाँ से लूटे गए हैं। मौके का निरीक्षण मेरे द्वारा और सभी अधिकारियों द्वारा किया गया है। जो गार्ड है जिनको चोट लगी है उनका प्राथमिक उपचार के बाद उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है, उनसे भी काफ़ी अहम जानकारियाँ ली हैं। जो कंपनी के ऑफिशल्स हैं उनसे भी जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं। घटनास्थल से निरीक्षण से अभी तक तहरीर इनके द्वारा दी जाएगी, उसके बाद मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। ग्रेटर नोएडा की कासना कोतवाली में तैनात दो पुलिसकर्मियों का एक नया कारनामा सामने आया है। दरअसल ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर ट्रक चालक से मारपीट करके रुपए लेने के दो आरोपी पुलिसकर्मियों को शनिवार देर रात गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं घटना में शामिल अन्य पुलिसकर्मियों की भी जांच की जा रही है। जानकारी के मुताबिक शनिवार की सुबह ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर कोतवाली कासना क्षेत्र में एक ट्रक चालक राजस्थान के सीकर से सामान लेकर मेरठ जा रहा था। इसी दौरान पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर खड़ी पीसीआर वैन पर तैनात हेड कांस्टेबल ज्ञान सिंह और कांस्टेबल तारा चंद ने ट्रक चालक को चेकिंग के लिए रोक लिया और उससे रिश्वत मांगी और ना देने पर उसके साथ जमकर मारपिटाई की है और उसके जेब में रखे पैसे छीन लिए। मामले में डीसीपी ग्रेटर नोएडा अभिषेक झा ने बताया है कि पीड़ित संचालक की शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच की और मामला सही पाए जाने पर दोनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और अन्य पुलिसकर्मियों की भी जाँच की जा रही है। यानी एकाएक यूपी पुलिस के कई कारनामे सामने आ रहे हैं। गोरखपुर में पहले एक व्यापारी के साथ मारपिटाई, उसके बाद मनीष गुप्ता को इतनी बुरी तरह से पीटा कि उसकी जान चली गई, उसके बाद गोरखपुर में एक और कांड हुआ। वहीं अब ये पूरा मामला सामने आ रहा है जहां पर रिश्वत ना देने पर मारपिटाई की है ट्रक ड्राइवर के साथ और उसके पैसे भी छीन लिए गए हैं।
तो ग्रेटर नोएडा का एक पूरा मामला है जहां पर पुलिस का एक और कारनामा सामने आया। रिश्वत नहीं देने पर मारपिटाई कर पैसे छीन लिए ट्रक ड्राइवर के। ऐसा बताया जा रहा है कि पुलिस कर्मी चेकिंग के नाम पर थे, हेड कांस्टेबल बताए जा रहे हैं, जो चेकिंग कर रहे थे ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर। वहां पर एक ट्रक पहुंचा, ट्रक को रुकवाया गया, ट्रक चालक से रिश्वत मांगी गई। अगर ट्रक चालक ने रिश्वत नहीं दी तो उसको पीटा गया, उसके पास जो पैसे थे वो भी छीन लिए गए। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी भूपेश मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। भूपेश, लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस के कई चेहरे सामने आ रहे हैं, एक और चेहरा सामने आया ग्रेटर नोएडा से, जहां पर रिश्वत ना देने पर एक ट्रक चालक को पुलिस कर्मियों ने बुरी तरह पीटा है। भूपेश, मेरी आवाज मिल रही है? भूपेश, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो भूपेश तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, हम दोबारा से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये पूरा मामला सामने आ रहा है ग्रेटर नोएडा का, रिश्वत नहीं देने पर ट्रक चालक की जमकर पिटाई की, उसके पास जो पैसे थे वो भी छीन लिए गए हैं। यानी एक एक करके पुलिस के कई चेहरे उत्तर प्रदेश में इन दिनों सामने आ रहे हैं। जहां जब कुछ सालों पहले ऐसी तस्वीरें सामने आई थी कि पुलिसकर्मी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि प्रदेश की जनता की रक्षा की जाए, तो दूसरी तरफ अब ऐसा चेहरा पुलिस का सामने आ रहा है। मेरे सहयोगी भूपेश एक बार फिर मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। भूपेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है इस खबर को लेकर? देखिए, ये पूरा मामला सुबह का है जब एक सिरसा का रहने वाला जो ड्राइवर है वो अपना ट्रक लेकर मेरठ के लिए जा रहा था। पशुओं से भरा हुआ ट्रक था। जैसे ही वो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर कासना थाना क्षेत्र में पहुंचता है, तभी पीआरवी उसको रोकती है चेकिंग के लिए, और चेकिंग के दौरान उस ड्राइवर के साथ ये लोग अभद्रता करते हैं, मारपीट करते हैं और उससे रिश्वत मांगते हैं। और इस दौरान उससे वो 400 रुपए की रिश्वत भी ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी उसके साथ बदतमीजी करते हैं। अब इसकी शिकायत जो है वो पुलिस कर्मी अधिकारियों से करता है, जिसमें डीसीपी जो है वो जांच करते हैं और इसमें पाते हैं कि जो दोनों पुलिसकर्मी पीआरवी पर तैनात थे वो दोनों इसमें दोषी हैं। तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाती है और दोनों को सस्पेंड कर दिया जाता है और उसके बाद दोनों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जाता है। भूपेश, लेकिन सस्पेंड करना, मुकदमा दर्ज करना भर काफी है, क्योंकि एक एक करके पुलिस के कई चेहरे ऐसे सामने आ रहे हैं। बीते एक हफ्ते में पुलिस के तमाम चेहरे हमने देखे हैं, चाहे वो गोरखपुर का मामला हो, चाहे वो सुल्तानपुर का मामला हो, चाहे वो सिद्धार्थनगर का मामला हो, चाहे अब ग्रेटर नोएडा का मामला हो। हाँ, देखिए बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखिए अब पुलिस की जो कार्यशैली है उस पर सवाल तो उठ रहे हैं लगातार। गोरखपुर से लेकर नोएडा तक ये सवाल उठ रहे हैं। और जो पुलिसिंग की बात होती है, मॉरल पुलिसिंग की बात होती है, और योगी आदित्यनाथ जिस बेस पर जो लगातार दोबारा सरकार बनाने की दावा कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक बार पुलिस के लिए भी कहते हैं, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उनका सबसे बड़ा दावा होता है कि उत्तर प्रदेश में इस समय सुरक्षा व्यवस्था मजबूत है। लेकिन जो सुरक्षा व्यवस्था रखते हैं, कहीं ना कहीं अब वो लोग ही उसमें शामिल होते हुए जा रहे हैं, वो लोगों के साथ अभद्रता कर रहे हैं और कहीं वो उनके द्वारा लोगों की जान भी ली जा रही है। तो देखिए, उन पर सवाल तो उठ रहा है, लेकिन अब आला अधिकारी जो उनके द्वारा कार्रवाई भी की गई है और निलंबन की उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, मुकदमा दर्ज हुआ है, उन दोनों की गिरफ्तारी भी हुई है। पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि हमें इस बारे में जैसे ही शिकायत मिली हमने इसमें कार्रवाई की है, अगर आगे भी पुलिस कर्मी कोई भी इस तरह का कदम उठाता है तो उसके खिलाफ भी ऐसे ही कार्रवाई की जाएगी, ताकि आगे से वो कभी इस तरह का कार्य न करे। बिल्कुल भूपेश, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल इस पूरे मामले में कार्रवाई की गई है, दोनों पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है, उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। लेकिन सवाल अब भी खत्म नहीं हुए हैं। सवाल यह है कि आखिर पुलिस की कार्यशैली क्यों इतनी खराब होती जा रही है? कभी भ्रष्टाचार में लिप्त, तो कभी रिश्वत मांगने के आरोप, तो कभी किसी बेकसूर को पीटने का आरोप। पाकिस्तान लगातार अपनी नापाक साजिश को अंजाम देने में लगा हुआ है। जम्मू के सतवारी इलाके के फ्लाई मनाल में पाकिस्तान ने ड्रोन के जरिए हथियार गिराया। आप बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे फ्लाई मंडाल इलाके में ड्रोन से M4 राइफल, कुछ मैगजीन और अन्य विस्फोटक गिराया गया। इससे पहले जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में आतंकियों ने शनिवार शाम केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के एक बंकर पर ग्रेनेड फेंका, लेकिन इस विस्फोट में कोई नुकसान नहीं हुआ था।
तो जम्मू कश्मीर का ये पूरा मामला, आप बता दें कि पाकिस्तान लगातार अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। कई बार ड्रोन देखे गए हैं, लेकिन एक बार फिर से पाकिस्तान ने वही कोशिश की है, 4 राइफल और एक मैगजीन गिराई। हालांकि इसका असर बेअसर रहा, लेकिन अगर देखा जाए तो पाकिस्तान एक एक करके लगातार भारत को परेशान करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसका मुंह तोड़ जवाब लगातार भारत दे रहा है। यूपी के मुरादनगर स्थित एक इंजीनियरिंग कॉलेज में हॉस्टल में रहने वाली छात्राओं के मोबाइल पर अश्लील वीडियो और फोटो भेजने का मामला सामने आया। दरअसल एक इंजीनियरिंग कॉलेज कैंपस में बने हॉस्टल में छात्राएं रहती हैं। बताया जा रहा है कि कुछ छात्राओं के मोबाइल फोन पर अश्लील वीडियो, फोटो और मैसेजेस आ रहे हैं। जब इसकी शिकायत छात्राओं ने कॉलेज प्रबंधन से की तो उन्होंने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। इस दौरान कॉलेज की छात्राओं ने महिला आयोग, मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत भेजी है, जिसके बाद हरकत में आए कॉलेज प्रबंधन ने इसकी जांच की तो एक छात्रा पर शक हुआ और उसे हॉस्टल से निष्कासित कर दिया गया है। वहीं इस मामले में कॉलेज के डायरेक्टर की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मुरादनगर का एक पूरा मामला, पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। दरअसल छात्राओं ने अश्लील वीडियो और फोटो भेजने का आरोप लगाया, कॉलेज प्रबंधन से बातचीत की, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन जब मामला बढ़ा तो फिर छानबीन की गई। छानबीन में एक छात्रा का हाथ बताया जा रहा है कि एक छात्रा लगातार तमाम छात्राओं को अश्लील वीडियो और फोटो भेज रही थी। हालांकि इसके पीछे वजह क्या है ये खुलकर सामने नहीं आ पाई है। वहीं दिल्ली सरकार ने राशन कार्ड को लेकर एक बड़ा अभियान चलाने का फैसला किया है। सरकार घर घर सर्वे कर लगातार 3 महीने से राशन नहीं लेने वाले राशन कार्ड धारकों का पता करेगी। ऐसा राशन कार्ड धारक जिन्होंने 3 महीने से राशन नहीं लिया होगा, जिसे नोटिस के साथ साथ आगे से तय समय पर राशन लेने की हिदायत दी जाएगी। साथ ही अगर इस दौरान कोई राशन कार्ड धारक घर पर मौजूद नहीं मिलता तो उसका राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। तो राशन कार्ड को लेकर दिल्ली सरकार की यह पहल देखने के लिए मिल रही है। राशन नहीं लेने पर राशन कार्ड पूरी तरह से रद्द कर दिया जाएगा। तो दिल्ली सरकार डोर टू डोर सर्वे करने की तैयारी में है ऐसे कार्ड धारक जो राशन नहीं लेते हैं लेकिन उसके पास राशन कार्ड है। तो दिल्ली सरकार ये कैंपेन चलाएगी, डोर टू डोर लोगों तक पहुंचेगी। अगर जो कार्ड धारक हैं जो राशन नहीं लेते हैं उनसे अपील की जाएगी कि वो राशन लें, और जो ऐसे हैं जिनके घर पर कोई व्यक्ति मौजूद नहीं रहेगा तो उनका राशन कार्ड रद्द भी कर दिया जा सकता है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी ने शनिवार की रात को मुंबई में कार्डिला द इम्प्रेस नाम के एक क्रूज पर छापेमारी की। इस पार्टी में छापेमारी के दौरान अवैध ड्रग को एनसीबी ने जब्त किया है। इसमें शामिल 13 लोगों में से 8 को एनसीबी ने हिरासत में लिया। हिरासत में जिन लोगों को लिया गया उनमें बॉलीवुड के सुपर स्टार शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान शामिल है। इसके अलावा 3 लड़कियां भी शामिल हैं। इस बीच एनसीबी ने मुंबई से गोवा जा रहे क्रूज पर आयोजित ड्रग्स पार्टी के 6 आयोजकों के खिलाफ समन भेजा है। इन सभी आयोजकों को एनसीबी के सामने पूछताछ के लिए हाजिर होने को कहा गया है। इस बीच एनसीबी की ओर से जिन 13 लोगों को हिरासत में लिया गया था उनमें से 8 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है, ऐसी जानकारी मिल रही है। आपको बता दें कि 2020 से ही एनसीबी पूरी तरह से अलर्ट हो चुकी है मुंबई में और तमाम जगह छापेमारी की खबरें भी एनसीबी द्वारा सामने आती रहती हैं। फिलहाल जानकारी मिल रही है कि अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है लेकिन गिरफ्तारी हो सकती है। तो 8 लोग हिरासत में हैं एनसीबी द्वारा ये कहा जा रहा है, जिसमें शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान भी शामिल बताए जा रहे हैं। उनसे भी पूछताछ हुई है लेकिन गिरफ्तारी संभव हो सकती है। पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी, एसएन प्रधान ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो ड्रग्स रैकेट में आखिर कौन कौन शामिल है इसका पता लगाने में लगातार एनसीबी जुटी हुई है, ये बड़ी जानकारी इस वक्त की मिल रही है। तो आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट से पूछताछ लगातार जारी है। ये 2 महत्वपूर्ण नाम हैं जिन पर सभी की नजर बनी हुई है। फिलहाल 3 लड़कियां भी बताई जा रही हैं जो कि हिरासत में ली गई हैं, उनसे भी पूछताछ हो सकती है।
भारत सरकार के द्वारा गरीबों को लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाने से राहत देने के लिए उज्ज्वला योजना लॉन्च की गई, जिससे धुएं से महिलाओं की आंखों को बचाया जा सके और आंखों की जिंदगी बढ़ाई जा सके। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को मुफ्त में गैस सिलेंडर दिए गए। निसंदेह भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना थी, जिसके चलते गरीबों को भी आज गैस चूल्हा नसीब हो सका। लेकिन सरकार के द्वारा जो सोचा गया था वो योजना में मील का पत्थर साबित नहीं हो सका, क्योंकि बेतहाशा बढ़ती हुई महंगाई के चलते गैस सिलेंडर के दामों में अतिशय वृद्धि हो गई। इसके कारण गरीबों को इस सिलेंडर को भराने में बड़ी ही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तमाम लाभार्थी तो ऐसे हैं जो सिलेंडर को घर में रखे हुए हैं और चूल्हे पर खाना बनाते हैं। उनका कहना है कि इस समय सिलेंडर के दाम 1000 हो चुके हैं। ऐसे में 300 रुपए की दिहाड़ी मजदूरी करने वाले व्यक्ति अपने बच्चों का पेट पाले या गैस सिलेंडर भराए। जब सिलेंडर की कीमत 400 थी, तब लगभग 80% उज्ज्वला योजना के लाभार्थी गैस चूल्हे का इस्तेमाल करते थे। लेकिन जैसे ही महंगाई बढ़ती गई, लाभार्थियों की क्षमता घटती चली गई। और अगर हम बात करते हैं आज की, तो कुल लाभार्थियों में से केवल 30% लाभार्थी ऐसे हैं जो अपने सिलेंडर को रिफिल करा रहे हैं और गैस पर खाना पका रहे हैं, जबकि 70% लाभार्थी इस गैस चूल्हे का उपयोग नहीं कर रहे। ऐसे में लाभार्थियों को कहना है कि सरकार यदि गैस सिलेंडर के दामों में कमी लाती है तो हम लोग इसका उपयोग कर पाएंगे, नहीं तो ये हम लोगों के लिए बेकार साबित है। खाना बना रहे हैं कि जो मोदी सरकार ने जो है इतनी महंगी लगाए दी है यहाँ, तो नॉन तेल का तो 1000 रुपया होते नहीं ना, तो 1000 रुपया गैस से कहाँ हम पाई। तो उज्ज्वला योजना के तहत आपको गैस मिली ताकि धुएं से राहत मिले, आप फिर भी क्या नाम है राहत कहाँ मिले, जो है राहत से परेशानी और ज़्यादा बढ़ गया है। जो पैसे न रहे तो कहाँ से हम गैस भराऊ। गरीब आदमी जौन है गैस देह बड़कई नहीं ना, ओका भराए बड़कई है। और जो 1000 का गैस भरावा थी, 1000 कबो जिंदगी में नहीं रही गैस के दाम, तो अब ये 1000 गैस के दाम हो गया है। तो हम जौन है गैस हम करना चाहिए, जौन है हम अपन चूल्हा हमका सही है। पूर्णपुर आप पास, हाँ आप पास गैस सिलेंडर है? है तो, लेकिन जो हम भराते नहीं हैं। जो नहा का करते हैं, क्यों नहीं भराते हैं? पैसा है नहीं है, गदेला पालेंगे जो नहा का करते हैं गैस भराएं। तो लकड़ी पर आप खाना बनाते हैं? हाँ, लकड़ी बिन के लाते हैं। कोई बीमारी तो नहीं है हो रही है इससे? लकड़ी बनाने पर कोई समस्या नहीं आ रही है? देखिए कि गदेला घर पालिए। ठीक ठीक ठीक। गाँव कौन सा है? कर्णपुर। ठीक। उज्ज्वला योजना की स्थिति बहुत ही खराब है। मोदी जी ने महंगाई इतनी बढ़ गई है इनके शासनकाल में कि यही उज्ज्वला योजना जो लागू किए थे इसमें सिलेंडर तो मुफ्त दे देते हैं, लेकिन समझ लो सरकार कर्ज पर दे रही है। 900 रुपये सिलेंडर के दाम हो गए हैं। गरीब आदमी मजदूरी करने वाला 300 रुपये एक दिन में कमाता है, उसमें 300 घर पर लाता है, तो उसमें गैस भराएगा या फिर और सामान लगते हैं उसकी घर गृहस्थी चलाने के लिए। आज देखा जाए तो उज्ज्वला योजना की जो मोदी सरकार के शासनकाल में अभी बढ़ रही हैं गैसें, उनके पास भराने का पैसा नहीं है दूसरी किस्त के, उनके घर में घर के कोनों में धूल मिट्टी जम गई है सिलेंडर पर। ये स्थिति है, ये बहुत ही इनकी असफल योजना साबित हुई है गाँव में। मैं मानता हूँ कि इसके भले ही इस गैस को पैसा देकर देते गरीबों को, लेकिन 400 में सिलेंडर देते जैसे पहले मिलता था तभी हम लोग खुश थे। उज्ज्वला योजना और मोदी जी बढ़िया मतलब योजना निकाले हैं, और गैस महंगी है, महंगी का कारण जो है आदमी के पास पैसा है नहीं, क्योंकि गैस भरा नहीं पाता। तो लोग खाना कैसे बनाते? खाना चूल्हे पे बनाते हैं। उज्ज्वला योजना की स्थिति है कि आदमी भरा तो रहा है सिलेंडर, लेकिन महंगा तो बढ़ ही रहा है, 950 का गैस बढ़ रहा है, क्या किया जाएगा? 940 की पर्ची करती है वही आदमी भराता है, लेकिन आदमी क्या किया जाए, कैसे भराएगा? महंगाई की वजह आदमी मार पड़ रही है उसके ऊपर। जो गरीब जनता है उसको फ्री में सिलेंडर बांटा गया था, तो कितने परसेंट लोग उसको भरवाने में जो है भरवा रहे हैं? सब नहीं भरवा पा रहे हैं सर, लेकिन कोई कोई भरवा रहा है, सब नहीं भरा पा रहे हैं। तो सिलेंडर रखा हुआ है उनका? नहीं, भरा रहे हैं बीच बीच में, तो इंचार्ज के पद पर है। अगर उज्ज्वला योजना की बात की जाए तो सरकार की योजना चलाई जा रही है, उससे कितना परसेंट का रिफिलिंग हो रहा है लोग दोबारा? उज्ज्वला योजना तो बढ़िया है, हिसाब से अच्छी योजना चल रही है और लेते हैं भी, लेकिन गरीब तबके के लोग भाई उनको सोचना पड़ता है भराने के लिए, लेकिन भराते हैं वो भी किसी न किसी तरह, चल रहा है काम।
वैसे अगर एवरेज बात की जाए तो एक महीने में कितना, एक साल में कितना सिलेंडर मिलता है? 12 सिलेंडर मिलते हैं। कितना लोग रिफिलिंग करवा रहे हैं? रिफिलिंग जिस हिसाब से उनकी खर्चा है उसी हिसाब से भराते हैं। अलीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष के बेटे पर बीजेपी युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर 5 लाख रुपए मांगने का मामला सामने आया। ये संगीन आरोप भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला उपाध्यक्ष रहे ठाकुर अमित सिंह और चेरा प्रताप सिंह ने लगाए हैं। पूरे मामले से रिलेटेड 3 ऑडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसे लेकर तरह तरह की चर्चाएं भी हो रही हैं। बीजेपी युवा मोर्चा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष ठाकुर अमित सिंह और चेरा प्रताप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मामले का खुलासा किया। अमित का कहना है कि अगर उन्हें न्याय नहीं मिला तो वो बीजेपी के जिला कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करेंगे और अगर उससे भी उन्हें न्याय नहीं मिला तो वो खुदकुशी करने के लिए मजबूर होंगे। वहीं चेरा प्रताप सिंह ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष ऋषिपाल सिंह के बेटे तपेश ने उनसे बीजेपी युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष बनवाने के नाम पर 5 लाख रुपए लिए हैं, लेकिन ना तो उन्हें जिलाध्यक्ष बनवाया और ना ही उनके पैसे वापस किए। इतना ही नहीं, अब जिलाध्यक्ष का बेटा गुंडों को घर भेजकर उन्हें धमकियां दिला रहा है। इसे लेकर उन्होंने बीजेपी और संघ के बड़े पदाधिकारियों से भी संपर्क किया, उन पर कार्रवाई करने की मांग की है और इसी के चलते आज दोनों कार्यकर्ताओं ने रामघाट रोड स्थित पर एक निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी है। तो आइए आपको वो ऑडियो भी सुनवाते हैं जो इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। 32 से 35, 3 साल पूरे। तीन साल पूरे बिल्कुल ठीक है। तुमसे नीचे वाली 27 वाले है। तुमसे जो दोनों नीचे उम्र के हैं माधव और अभिषेक, दोनों की उम्र 27 है। 27 बिल्कुल ठीक है ना। तो और यश की भी 27 है। और यश मतलब जिसकी भी वो 27 है। 27 वाले को परपक्व नहीं मानते और 32 वाले को परपक्व मानते हैं। बिल्कुल 32 वाला 3 साल पूरे चला सकता है 35 होने तक। नहीं बिल्कुल 32 किसी की नहीं, तुमसे नीचे 27 है। बहुत सही कर भैया, गंगा जी नहा जाऊंगा मैं। अब हाँ मैंने कि मैं 33 लिखूं, कल तो मैं 33 लिखा, इधर मैंने 32 कर दिया। मैं 33 ही का लिखूं। 32 ये नवंबर में बर्थडे है ना? अरे और अभी अभी तो बर्थडे है। हाँ नवंबर में बर्थडे है। और क्या अब वाकई राम अवतार 33 को लिख के भेजिए। अपनी 33 लिख के भेजिए और वहाँ जो प्रदेश में देखा है वो 38 है। प्रदेश में जो देखा है उसमें 38 मालूम है मुझे। और बायोडेटा जीवन में 33 का 33 मैंने 33 मैंने 38 लिखवाई है। मुकेश बाकी दोनों की अमित की और उसकी 37 लिखवाई है। मैं गांगुली में मैं 37 करो। अब तुम भैया मेरा तो अपना दो भाई, मेरा काम था यहाँ तक का बिल्कुल सही बात है भैया। मैंने अपना काम पूरा जोर से किया है। अब देखो मैं अब भी वही बात कह रहा हूँ जो जब कही, और बात मेरी जब भी नहीं बदलेगी। जिस दिन कुछ हो गया तो कागज ब्लैंक और उनपे साइन, मैं दोबारा पूछने नहीं आऊंगा क्या हुआ। आपका होगा मन तो पूछ लेना कि ये कर रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं काउते पूछोगे। 48 नाम है मुझ पर युवा मोर्चा की। बिल्कुल होंगे भैया बिल्कुल, जिले की टीम के लिए 48 नाम। यदि नहीं मांग रहा है नहीं, युवा मोर्चा की टीम के लिए बिल्कुल होंगे। उसमें से 15 अध्यक्ष हैं। 15 बिल्कुल हाँ। तो 48 नाम में से ऐसे ऐसे नाम है मुझे सब मालूम है ना, कैसे उड़ाऊंगा इन्हें। बिल्कुल 48 में बनाने वो तो भैया चलाना बनाना आपका है। 28 लोगों की टीम बनती है। क्या की बना रहे हैं? 28 की क्या की? 9 × 2 = 18 सात नहीं 9। अच्छा 9 उपाध्यक्ष, 9 उपाध्यक्ष, 9 ही वो मंत्री, 18 18 और 3। अच्छा 3 महामंत्री, 18 और 3 21, 7 कार्यकारिणी सदस्य, 1 कार्यालय प्रभारी। अच्छा 1 ऐसे गिन लो, 9 × 2 = 18, 21 और 21 और 1 22 और 7 29 29 सही है। 34 तक जा रही है लिस्ट, इसमें एक नाम कुछ पद और बढ़ रहा है। और जो जाकू बना में जैसे बना में मेरे तो प्रायर ने पी गई हारेंगे बिल्कुल।
बाबलो है वो, आज मैं झंझट, आज मैंने ऐसा लग रहा हूँ तुम्हारी कसम गंगा जी नहा लिया। जिलाध्यक्ष बनाने के लिए 5 लाख रुपए मांगे थे, जिसको लेकर लगातार घमासान छिड़ा हुआ है। बीजेपी जिलाध्यक्ष के बेटे पर गंभीर आरोप लगते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।